तो दिल्ली से जो तस्वीर आई वो भयावह है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरोप प्रत्यारोप करने से अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? क्या प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि जो सड़कों पर लोग हैं किसी तरीके से उनको वहां से हटाया जाए? बहरहाल बढ़ते हैं आगे। रायबरेली से खबर है जहां बाहर से लौटने वालों की तादाद बढ़ गई है। 3 ट्रकों से आए 73 लोगों को पुलिस ने रोक लिया है। सभी लोगों को जांच के बाद आगे जाने दिया गया है। दिल्ली और नोएडा से घरों को ये लोग लौट रहे थे, तो लगातार जो मजदूर हैं उनका पलायन जारी है और वो जहां पर काम करते हैं वहां से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। पंकज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी आपके पास? जी, बीती रात लगभग 3 ट्रकों से 73 लोग आ रहे थे, जिसमें सेमरी चौक खीरो थाना में पड़ता है सेमरी चौकी, वहां पर पुलिस ने उनको सभी को रुकवा लिया और वहां का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वहां के डॉक्टरों की टीम को उन्होंने बुलवाया, जो चौकी इंचार्ज प्रवीण गौतम थे उन्होंने बुलवाया वहां पे। बुलवाने के बाद उन लोगों ने, जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन लोगों ने अपनी औपचारिक जाँच की। जाँच करने के बाद उन ट्रकों थे उन लोगों को हिदायत देने के बाद कि आप लोग जा तो है अपने घरों में, लेकिन घरों से आप लोग बाहर ना निकलिएगा, आइसोलेट रहिएगा और अपने अपने घरों में जाकर ही रहिएगा, कहीं अगल बगल ना जाइएगा, ये हिदायत देने के बाद उन लोगों को पे छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पैदल भी रायबरेली में लगभग दर्जनों ऐसे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो पैदल ही रात से निकल जा रहे हैं। कल रात की घटना है, वहां से 11 बस स्टेशन पर दिखे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने किसी ने बताया बस्ती जाना है, किसी ने बताया संत रविदास नगर जाना है, किसी ने बताया हमको अयोध्या। इस तरह से लोगों को समझाने के बावजूद भी लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है, लोग यहां से लगातार। बिल्कुल पंकज, ये पलायन कितना खतरनाक है ये लोगों को समझना होगा, भविष्य में बहुत खतरनाक परिणाम भारत को इसके झेलने पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से जो तस्वीर आई वो भयावह है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरोप प्रत्यारोप करने से अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? क्या प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि जो सड़कों पर लोग हैं किसी तरीके से उनको वहां से हटाया जाए? बहरहाल बढ़ते हैं आगे। रायबरेली से खबर है जहां बाहर से लौटने वालों की तादाद बढ़ गई है। 3 ट्रकों से आए 73 लोगों को पुलिस ने रोक लिया है। सभी लोगों को जांच के बाद आगे जाने दिया गया है। दिल्ली और नोएडा से घरों को ये लोग लौट रहे थे, तो लगातार जो मजदूर हैं उनका पलायन जारी है और वो जहां पर काम करते हैं वहां से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। पंकज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी आपके पास? जी, बीती रात लगभग 3 ट्रकों से 73 लोग आ रहे थे, जिसमें सेमरी चौक खीरो थाना में पड़ता है सेमरी चौकी, वहां पर पुलिस ने उनको सभी को रुकवा लिया और वहां का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वहां के डॉक्टरों की टीम को उन्होंने बुलवाया, जो चौकी इंचार्ज प्रवीण गौतम थे उन्होंने बुलवाया वहां पे। बुलवाने के बाद उन लोगों ने, जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन लोगों ने अपनी औपचारिक जाँच की। जाँच करने के बाद उन ट्रकों थे उन लोगों को हिदायत देने के बाद कि आप लोग जा तो है अपने घरों में, लेकिन घरों से आप लोग बाहर ना निकलिएगा, आइसोलेट रहिएगा और अपने अपने घरों में जाकर ही रहिएगा, कहीं अगल बगल ना जाइएगा, ये हिदायत देने के बाद उन लोगों को पे छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पैदल भी रायबरेली में लगभग दर्जनों ऐसे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो पैदल ही रात से निकल जा रहे हैं। कल रात की घटना है, वहां से 11 बस स्टेशन पर दिखे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने किसी ने बताया बस्ती जाना है, किसी ने बताया संत रविदास नगर जाना है, किसी ने बताया हमको अयोध्या। इस तरह से लोगों को समझाने के बावजूद भी लोगों का पलायन नहीं रुक रहा है, लोग यहां से लगातार। बिल्कुल पंकज, ये पलायन कितना खतरनाक है ये लोगों को समझना होगा, भविष्य में बहुत खतरनाक परिणाम भारत को इसके झेलने पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए।